अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली कोफ्ता करी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार की बनती है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं कोफ्ता करी, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली कोफ्ता करी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार के बनते हैं कोफ्ता करी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। यहाँ पर देखिए मैं एक जार ली हूँ, कीमे को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। ये है मटन कीमा, मैंने जार में डाल दिया है। आप डालते हैं इसमें कोथमीर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच जितना ली हूँ मैं। अब डालेंगे सॉल्ट, अपने हिसाब से डालना सॉल्ट, किसी को कम लगता है ज़्यादा लगता है। अब डाल देते हैं हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें ली है मैंने, थोड़ी तीखी वाली है, आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालना। देखिए मैं सॉफ्ट अच्छे से पीस ली हूँ कीमे को। एक बोल लेके डाल लेते हैं कीमा, देखिए मैंने सब डाल दिया है। एक छोटा लड्डू बना के रखा है, थोड़ा हाथ पे तेल लगा के। यहाँ पर देखिए मैं सारे बना ली हूँ, थोड़े बड़े साइज के ही बनाए थे मैंने। यहाँ पर देखिए एक कुकर रख ली हूँ, अब डाल देते हैं तेल। तेल गर्म हो चुका है तो उसको धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। मसाला से बहुत ही अच्छी रहती है रेसिपी, आप जरूर ट्राई करना ग्रीन चिली कोफ्ता करी। और देखिए सब मैंने दाल सब डाल देते हैं, देखिए सारे दाल लिखे। चलिए ढक्कन लगा के 4 सीटी होने तक उसको कोफ्तों को गला लेते हैं। पहले मैं मसाला पीस के रखी थी ना, वो जार ली हूँ, टमाटर डाली हूँ 2 बड़े साइज़ के, टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है। और प्याज एक ली थी बड़े साइज़ की, देखिए कोथमीर को डाली हूँ थोड़ी सी, और हरी मिर्च है फिर 2 मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्च का। और ये देखिए खोपरा, ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है। पानी ऐड करेंगे इसमें मसाले में, अच्छा पीस लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पीस ली हूँ। कढ़ाई रखेंगे, तेल गर्म होते ही डालते हैं इसमें खड़े मसाले, लौंग चकला और इलायची। ये देखिए 4 से 5 लौंग ली हूँ, 3 इलायची है, 2 चकले हैं। अब डाल देते हैं मसाला, लौंग को थोड़ा कम कर लेंगे नहीं तो मसाला पूरा उछलने लगेगा, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा तेल छूटने तक अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्लेम को बढ़ा के रखा है, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल भी छूट गया है। और उसमें डालते हैं मसाले, ये धनिया मसाला है 1 चम्मच जितना मैं डाली हूँ। अब डालते हैं गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। ये है हल्दी पाउडर, अब डालेंगे सॉल्ट, अपने हिसाब से डालिएगा सॉल्ट को। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैं दही डाल रही हूँ, आप चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं। दही को डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं। कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं, मसाला भी अच्छे से पक चुका है, अब कोफ्ते ऐड कर लेते हैं इसमें।
है माशाल्लाह अच्छे से पक चुका है। कोफ्ताओं को डाल देते हैं पानी के साथ ही, इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे, इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद डिश आउट कर लेते हैं। अब डालेंगे इसमें धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल के भी अच्छे से इसको पकाना है, 5 मिनट ही पकाना है हमें, क्योंकि हमारे कोफ्ते अच्छे से गल चुके थे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ग्रीन चिल्ली कोफ्ता करी। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना चैनल को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।